हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप जी? फ्रेंड्स, आज हम टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज के टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर हैं। फ्रेंड, मैं आपको लास्ट वीडियो में क्लॉज के बारे में बता चुकी हूँ क्लॉज क्या है और टाइप्स ऑफ क्लॉज क्या है, और जिन्होंने नहीं देखी वो मेरी लास्ट वीडियो, मैं इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसको चेक कर लीजिएगा। जी फ्रेंड, आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज की टाइप्स कौन सी हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉज की टाइप्स कौन सी हैं? फ्रेंड्स, डिपेंडेंट क्लॉज की तीन टाइप्स हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज की पहली टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे नाउन क्लॉज को डिस्कस। फ्रेंड, नाउन क्लॉज क्या होता है? अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है। मैंने आपको बताया ना, टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज है नाउन क्लॉज। अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, दैट एक्ट्स, जो काम करता है, जो अमल करता है, जो एक्ट करता है एज अ नाउन, एक नाउन के तौर पर। ठीक है, आपको पता है नाउन कहते हैं नाम को। ठीक है, ये किसी जुमले में एक नाउन के तौर पर काम करता है, नाउन क्लॉज जो है, या आप ये भी कह सकते हो नाउन क्लॉज एक्ट्स एग्जैक्टली लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है। जी फ्रेंड, अब दो बातें आपने याद रखनी है नाउन क्लॉज के लिए। पहली बात, नाउन क्लॉजेस बिगिन विद वर्ड्स सच एज, यानी नाउन क्लॉज ऐसे अल्फाज से शुरू होते हैं। वो कौन कौन से हैं? दैट, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, विच, हु, हूएवर, होम, हूमएवर, व्हाई, व्हाटएवर एटसेट्रा। ठीक है, जो नाउन क्लॉजेस होंगे वो ऐसे अल्फाज से शुरू होंगे। मैं अभी आपको इनकी एग्जांपल्स देती हूं, अभी आप ये पॉइंट्स नोट करें कि नाउन क्लॉजेस जो हैं वो ऐसे अल्फाज से शुरू होते हैं। ठीक है, नंबर दो, नाउन क्लॉजेस कैन एक्ट। नाउन क्लॉजेस जो हैं वो एक्ट कर सकते हैं एज सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के तौर पर, एज ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के तौर पर। ठीक है, इट मींस जो नाउन क्लॉजेस हैं वो नाउन के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, या तो वो सब्जेक्ट की जगह पर हो सकते हैं या वो ऑब्जेक्ट की जगह पे हो सकते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट सिर्फ नाउन क्लॉज के आप याद कर लें कि एक तो इनमें ऐसे वर्ड्स आते हैं, दूसरा नाउन क्लॉजेस जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी। जी फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नाउन क्लॉज की। ठीक है, नंबर वन एग्जाम्पल है, वट एवर वी स्टडी, जो कुछ हम पढ़ते हैं इंक्रीजेस आवर नॉलेज, हमारा इलम में इजाफा करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब यहां पे ये वट एवर वी स्टडी, ठीक है, ये है नाउन क्लॉज। ठीक है, वट एवर वी स्टडी, जो कुछ हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीजेस आवर नॉलेज। इंक्रीजेस क्या है यहां पे? ये है वर्ब। फ्रेंड, यहां पे ये नाउन क्लॉज जो है ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? ये यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहा है। वट एवर वी स्टडी, जो कुछ हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये है नाउन क्लॉज, और ये कौन सा नाउन है? ये नाउन एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है यहां पे। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे ये वट एवर वी स्टडी, ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। इंक्रीजेस वर्ब नॉलेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे ये नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वट यू ईट, जो तुम खाते हो, जो तुम खाते हो,
ठीक है, ये हमारा हो जाएगा नाउन क्लॉज. डिटरमाइंस योर बॉडी साइज, डिटरमाइंस बताता है योर बॉडी साइज, तुम्हारे बॉडी साइज को. ठीक है, अब यहां पे व्हाट यू ईट, जो तुम खाते हो, ये नाउन क्लॉज हो गया. ठीक है, और कौन सा, ये नाउन एज अ सब्जेक्ट है. अब यहां पे ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये हो जाएगा वर्ब. अब यहां पे नाउन क्लॉज जो है वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है. ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे ये आया हुआ, अब ये क्लॉज. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आई बाय व्हाट एवर आई नीड, मैं खरीदता हूं व्हाट एवर, जो कुछ आई नीड, मुझे जरूरत होती है. अब यहां पे इस जुमले में देखें, आई क्या है यहां पे, सब्जेक्ट, बाय है वर्ब, व्हाट एवर आई नीड, जिसकी मुझे जरूरत होती है, जो कुछ मुझे चाहिए होता है, ये यहां पे एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है. ये नाउन क्लॉज हो जाएगा, व्हाट एवर आई नीड, इट्स अ नाउन क्लॉज. ठीक है, यहां पे ये नाउन एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है नाउ आई रियलाइज्ड, अब मैंने महसूस किया. ठीक है, यहां पे आई क्या है, सब्जेक्ट, रियलाइज्ड क्या है, वर्ब. ठीक है, व्हाट यू हैड थॉट, जो तुमने सोचा था. फ्रेंड यहां पे व्हाट यू हैड थॉट जो है ये नाउन क्लॉज हो जाएगा. ठीक है, नाउ आई रियलाइज्ड, अब मैंने महसूस किया, व्हाट यू हैड थॉट, जो तुमने सोचा था. ठीक है, ये नाउन क्लॉज है और ये नाउन एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है. ठीक है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है. ठीक है, अब देखें, मैंने नाउन क्लॉज को जब डिस्क्राइब किया, मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे कि नाउन क्लॉज जो है वो ऐसे वर्ड से शुरू होते हैं, व्हाट, व्हाट एवर, हु, हाउ, हूएवर, व्हिच, व्हेन, व्हाई. ठीक है, अब यहां पे देखें, व्हाट एवर, व्हाट, व्हाट एवर, व्हाट, ये वर्ड्स आ गए, इट मीन ये नाउन क्लॉज हैं. ठीक है, और यहां पे ये जुमले में एज अ नाउन काम कर रहे हैं. इज इट क्लियर? और दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, ये सब्जेक्ट की जगह भी काम कर रहे होते हैं, जैसे ये देखिए, ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहे हैं नाउन, और ये ऑब्जेक्ट की जगह भी काम करते हैं. जी फ्रेंड, एक मरतबा फिर दोहराती चलूं, नाउन क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज की एक टाइप है जो एज अ नाउन एक्ट करता है. ठीक है, इसके मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए हैं कि नाउन क्लॉज जो है वो ऐसे अल्फाज से शुरू होते हैं जैसे व्हाट, व्हिच, व्हाई, हु, हूएवर, व्हाटएवर, व्हेन, वेयर, लाइक दिस. दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि नाउन क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर भी एक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं. जी फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा. ठीक है, अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और कमेंट्स में भी मुझे बता दिया करें कि आपको समझ आई है या नहीं. अगर नहीं आई तो पूछें, अगर आ गई है तो मुझे पता चले कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये कॉन्सेप्ट जो है इनका क्लियर हो चुका है. ठीक है, अगर आप मेरे वीडियोस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. जी फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.